नमस्कार, आप देखे दिल्ली 99 और मैं चारू। शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों से। बात करेंगे मानहानि मामले की। केजरीवाल को आसानी से माफ नहीं करेंगे अरुण जेटली, रख सकते हैं कोई बड़ी शर्त। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माफी की राह पर आ गए हैं, लेकिन ये राह उनके लिए आसान नजर नहीं आ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास भी माफीनामा गया है, लेकिन अभी तक अरुण जेटली की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अरुण जेटली ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और जिसमें 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा तय था। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से राज बब्बर ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि गुजरात और गोवा के बाद कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष में राज बब्बर ने यूपी से इस्तीफा पेश किया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, और ये जाना जा रहा है कि अब कमान किसी युवा के हाथों में दी जाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में राज बब्बर को ये कमान सौंपी गई थी। दिल्ली के JNU और यूपी के BHU समेत 62 संस्थानों को UGC ने दी पूरी आज़ादी। आपको बता दें JNU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ करीब 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को UGC अब दखलअंदाजी नहीं करेगा। आपको बता दें कि ये सारे संस्थान अब अपनी मर्जी से कोर्स और विभाग चालू कर सकते हैं, इसमें अब उन्हें UGC के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फेसबुक का डेटा लीक, एक दिन में गंवा दिए $40 अरब। 5 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक को लेकर जांच, फेसबुक में जांच शुरू हो गई है, और इसका सबसे बड़ा असर उसके कारोबार पर पड़ा है। आपको बता दें कि एक दिन में फेसबुक ने अपने $40 अरब गंवा दिए हैं। शेयर्स नीचे आ चुके हैं और जांच शुरू हो गई है। जासूसी रैकेट में फंसी कंगना, आरोप है कि CDR केस में आरोपी वकील को दिया था ऋतिक रोशन का नंबर। महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR में नए खुलासे हुए हैं, और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम इसमें आया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने, ठाणे पुलिस की माने तो कंगना रनौत ने करीब 2 साल पहले इसी कांड में आरोपी वकील रिजवान सिद्दीकी को ऋतिक रोशन का नंबर दिया था। कंगना रनौत के साथ साथ जैकी श्रॉफ की बीवी आयशा का नाम भी इस पूरे केस में सामने आया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली 99।